कोरमा किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं सभी का फेवरेट मटन कोरमा। तो एक किलो की मैं ये परफेक्ट रेसिपी दे रही हूँ विद टिप्स एंड ट्रिक्स। बहुत ही आसान रेसिपी है, जो लोग नए बनाना खाना सीख रहे हैं वो भी इसको इजीली बना सकते हैं। और सबके आसानी के लिए ये मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। तो ये देख लीजिए, ये मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है, मटन बकरे का गोश्त, और इसको अच्छे से मैंने धो के छन्नी में डाल दिया था। अब इसका पानी निचड़ चुका है। तो कुछ तैयारी हमने कर ली है। ये हमने 5 मीडियम साइज की प्याज ली थी। अगर आपके पास बड़ी प्याज है तो 4 ले लीजिएगा। 300 से 350 ग्राम के करीब आपकी प्याज होनी चाहिए। और इसको छील के बिल्कुल फाइनली स्लाइसेस में काटिएगा। प्याज आपकी जितनी बारीक कटेगी उतना ही इसका अच्छा रिश्ता बनेगा। तो सबसे पहले हम इसको फ्राई करेंगे। तो प्रेशर कुकर में ही हम इसको फ्राई कर लेते हैं। प्रेशर कुकर में हमने 1 कप ऑयल डाल दिया है। प्याज कम ऑयल में फ्राई सही से नहीं हो पाती है। आप फ्राई करने के बाद ऑयल को कम भी कर सकते हैं। और दोबारा से बता देती हूँ, हर बार बताती हूँ कि नमक, मिर्च और ऑयल की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। वैसे मुगलाई डिशेज के अंदर ऑयल थोड़ा ठीक ही जाता है। तो सबसे पहले हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं, गोल्डन फ्राई करेंगे। पहले हम थोड़ी देर के लिए इसकी फ्लेम को मीडियम रख लेते हैं। कोरमा बनाने में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होता है प्याज का बनाना होता है, कि आपकी जितनी अच्छी प्याज फ्राई होगी उतना ही अच्छा आपका कोरमा बनेगा। तो थोड़ा सा इसको मैं फ्राई होने देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमारे प्याज का कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर हो गया है। बस इससे ज़्यादा हम इसको नहीं करेंगे, गैस को बंद कर देते हैं और इसको एक प्लेट में निकाल के थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। और इसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे, और जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसको हाथ से क्रश कर लेंगे। तो प्याज को हम पहले ही निकाल लेते हैं बहुत डार्क होने से पहले, क्योंकि ये अपनी हीट से थोड़ा सा और डार्क हो जाती है। देखिए बस इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे, एक प्लेट में फैला देते हैं। आप चाहे हाथ से क्रश कर लें, और आप चाहें तो मिक्सी में डाल के दरदरा सा भी इसको बिना पानी डाले कूट सकते हैं। तो देख लीजिए ये प्याज हमारी हो गई है। तो प्याज हमारी जब तक ठंडी हो रही है, हम कोरमे के लिए खुशबूदार मसाला बना लेते हैं, जो बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बनता है। तो देख लेते हैं, ये मैंने लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा और 4 हरी इलायची, और ये है जायफल, इसका 1/4 मैंने टुकड़ा जायफल का लिया है, 6 लौंग लिए हैं, 2 बड़ी काली इलायचियाँ, इनके हम छिलके नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ इनके हम बीज यूज़ करेंगे, और 1 जावित्री का पूरा फूल लिया है। इन्हीं सभी चीज़ों को मैं मिक्सी में डाल के इनका एक फाइन पाउडर बना लेती हूँ। तो ये देखिए हमारा कोरमे का मसाला तैयार हो गया है। अब हम अपना मटन कोरमा बनाना शुरू करते हैं। तो हमने ये अपने प्रेशर कुकर के नीचे गैस को ऑन नहीं किया है। इसमें हम सबसे पहले डाल देते हैं मटन, जो कि हमने वॉश करके रखा था, मैंने आपको भी दिखाया था। अब डालेंगे हम इसमें 6 हरी इलायची और 8 लौंग। साथ ही में हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और डालेंगे हम कुछ मसाले, बिल्कुल बेसिक से मसाले कोरमे में जाते हैं। तो सबसे पहले मैं डालूंगी 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। तो ये आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून मैं डालूंगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इससे कोरमे का कलर बहुत खूबसूरत आ जाता है। 5 टेबलस्पून जाएगा इसमें धनिया पाउडर, इसके अंदर धनिया पाउडर ज़्यादा ही जाता है, वरना इसकी ग्रेवी थिक नहीं बन पाती है। ये डाल दिया है हमने। अब डालेंगे हम इसके अंदर नमक, तो 1.5 टीस्पून मैं नमक डाल रही हूँ, आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। और डालेंगे हम इसके अंदर दही, तो तकरीबन 300 ग्राम हमने दही ली है। दही को हम फेंटेंगे नहीं, इसी तरह से हम दही को डाल देंगे। अब डालेंगे हम इसके अंदर 1/4 कप पानी, पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, गोश्त और दही का ही काफ़ी पानी हो जाएगा। सिर्फ हल्के हाथ से हम इसको मिक्स करेंगे। दही को बिल्कुल भी हमें घोटना नहीं है, सिर्फ हमें मसाला मिक्स करना है। अगर हमने दही को ज़्यादा फेंट दिया तो फिर इसमें दाना नहीं पड़ेगा। बस अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाएंगे, और इसको हम पहले मीडियम फ्लेम पर 1 सीटी लेंगे, फिर लो फ्लेम पर हम इसको 8 से 10 मिनट तक पकने देंगे, जब तक ये मटन अच्छे से टेंडर नहीं हो जाता। जब तक हमारा गोश्त गल रहा है, हम अपनी प्याज को देख लेते हैं। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त ये
क्रिस्पी हो गई है, इसको चाहें तो हाथ से क्रश कर लें या फिर चाहें तो आप इसको मिक्सी में डाल के दरदरा कूट लें। देखिए हमारी जो बरिस्ता है, हमने इसको दरदरा पीस लिया है। इससे ज़्यादा बारीक नहीं कीजिएगा वरना आपके कोरमे में दाना नहीं बनेगा। तो गोश्त गल गया है, हमने गैस को दोबारा ऑन कर दिया है। अब हम इसको थोड़ी देर भूनेंगे क्योंकि इसकी हमने पहले भुनाई नहीं की थी, तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे अच्छे से भून लेते हैं। तो सालन को हमने 2 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम डाल देते हैं इसके अंदर अपना ये खुशबू वाला मसाला और इसको मिक्स कर लेते हैं हल्के हाथ से। डालेंगे हम इसके अंदर अपनी फ्राइड प्याज जो कि हमने क्रश करके रखी है, इसको भी हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। कुछ लोग कोरमे में हल्दी डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते हैं, मैंने नहीं डाली है। आप चाहें तो जब हमने मसाला डाला था तो इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी 1/4 टीस्पून के करीब डाल सकते हैं। फिर मैं इसे भून लेती हूँ। कोरमा हमारा अच्छा सा भून गया है, ये देख लीजिए आप कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बन रही है। तो अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी, आधा कप के करीब, ये आपकी पसंद के ऊपर है कि कितना ठीक रखा है। और इसको मैं 2 मिनट के लिए कवर करके लो फ्लेम पर पकने देती हूँ। कोरमा तैयार हो गया है। अब हम डालते हैं 1 टीस्पून इसमें केवड़ा वाटर। एसेंस है तो बस कुछ ही बूंदे डालिएगा। गैस को बंद करते हैं और इसको 2 मिनट के लिए कवर करके छोड़ते हैं, फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो देखिए तैयार है हमारा मटन देवी कोरमा। इतना इंस्टेंट बना है, बिल्कुल इजीली बन गया है। ना तो बाजार से हमें कोई इसके लिए मसाला कोरमे का मंगाना पड़ा है, ना कोई और मसला हुआ है, बहुत ही जल्दी से बन गया है। तंदूरी रोटी के साथ खाइए या फिर चपाती के साथ खाइए, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।